इसकी लो बीम है और हाई बीम करके दिखाता हूँ, देखो अभी थोड़ा बोर हो गए हम तो, मॉन्स्टर DRL का भी फीचर है, हम कुछ नया ट्राई करेंगे तो कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर गैरेज। तो भाई आज आप वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे जो हमारी वीडियो का टॉपिक है क्या होने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले जो सबसे बेस्ट कमेंट्स है वो आपको स्क्रीन पर शो हो ही रहे होंगे। सही भाइयों को दिल से लव यू है भाई, ऐसे ही कमेंट्स करते रहा करो। आप जब कमेंट करते हो तभी तो मुझे पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियोज पसंद आ रही है और मेरा और वीडियोज बनाने का मन करता है। तो आप है ना, जो चीज अच्छी लगे जो बुरी लगे सब कुछ कमेंट कर दिया करो। अगर आपको जो चीज बुरी लग रही है वही बता देना, हटा देंगे उस चीज को, और जो चीज अच्छी लग रही है तो वो भी बता ही देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये भी कमेंट्स कर दिया करो। तो भाई काफी दिनों से ना मेरा बाइक में कुछ चेंजमेंट करने का मन कर रहा था, तो आज इसके ना कुछ स्टिकर्स को चेंज कर देंगे, न्यू स्टिकर्स लगाएंगे। दूसरा इसकी ना थोड़े नाइट में इशू आ रहे हैं कि प्रोजेक्टर है ना उसकी इतनी विजिबिलिटी है नहीं, तो एक बढ़िया सी लाइट लगाएंगे पहली बात तो अपनी उसमें स्प्लेंडर में, जो कि नाइट के इशू को सोल्व कर दे। तो देखते हैं कौन सी लाइट होने वाली है, वो आपको आगे वीडियो में पता चली जाएगा। तो जल्दी से चलते हैं शॉप पे और ना एक अच्छी सी लाइट खरीद के लाते हैं और स्टिकर्स बनवा के लाते हैं। तो ये पिछली वीडियो में आपने देखा होगा हमने ना अपनी बाइक के हेडलाइट पे प्रोजेक्टर इंस्टॉल करा दिया था, बट उसकी ना वो शोइंग पर्पस के लिए ज्यादा है। देखो ये रखा हुआ यहाँ पे, रात वगैरह को भी जाना पड़े तो दिक्कत ना हो। तो एक लाइट अपनी बाइक में इंस्टॉल कराएंगे, तो वो आउल वाली लाइट काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बाइक के पास काफी सारी क्वालिटी में अवेलेबल है, तो एक एक करके सारे एक बार आपको दिखा देते जल्दी से। भाई इसमें ना तीन क्वालिटी है, तो ये प्लास्टिक बॉडी वाली है, इसको तो फिर मैं प्रेफर ही नहीं करता क्योंकि वाटरप्रूफ नहीं है, साइड में रख देते हैं। बाकी ये भी मेटल में है और ये भी है, दोनों मुझे क्वालिटी वाइज भी एक नंबर लग रहे हैं और काफी ज्यादा हैवी वेट है। तो जल्दी से पहले ये वाला चेक करते हैं फिर दूसरे वाला। तो भाई देख सकते हो आप, अभी तो ये दिन हो रखा है, आप चेक कर सकते हो बाहर बिल्कुल रोशनी है, तब है इतना रिस्पॉन्स तो इसका। और अब इसका दूसरा मोड चेक करो, अब ये फोकस करता हूं मैं एक बार, अब आप चेक कर सकते हो, अब दोनों लाइटें मिक्स होकर आई हैं। सेकंड आप चेक कर सकते हो फ्लैशिंग है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं यही वाला ले लूँ, एक बार आपको ये वाला भी चेक करा देता हूँ। तो आप चेक कर सकते हो इसका, और इसमें ना ये रेड कलर के आपको दो शो हो रहे होंगे, तो इसमें मॉन्स्टर DRL का भी फीचर है और काफी मतलब सबसे ज्यादा ब्राइट ही है ये वाला लगा मैंने मेरे को। आप येलो भी चेक कर सकते हो एंड देन ये फ्लैशिंग मोड। तो भाई जो भी आज हम चेंजेस करेंगे ना और जो आउट लाइट लगेंगे उसके लिए वाइजर तो खोलना पड़ेगा ही, सबसे पहले वाइजर खोल लेता हूँ, उसके बाद आपको कनेक्शंस वगैरह सबको आते होंगे आपको, तो डायरेक्ट फिट ही करके दिखाता हूँ। अब जल्दी जल्दी आप थोड़ा थोड़ा प्रोसेस देख लो। भाई जो ये वाला स्टिकर ना इससे थोड़ा बोर हो गए हम, तो ये वाला स्टिकर चेंज होएगा और इसकी हेडलाइट पे भी आज मैं आपको कुछ नया करके दिखाऊंगा। तो जो हेडलाइट कपलर है ना उनमें सिंपली आप जो आउट लाइट के तीन कनेक्शन है वो जोड़ देना, तो आपका काम बन जाएगा। मैं जल्दी से कर देता हूँ कंप्लीट कनेक्शन और फिटिंग भी, फिर आपको दिखाता हूँ, फिर हम अपनी हेडलाइट वगैरह करेंगे। तो भाई इस पे ना हम कुछ नया ट्राई करेंगे, तो कुछ दिन के लिए अपने हमने प्रोजेक्टर कर दिया बंद और इसको कर देते ब्लैकआउट क्योंकि इसका कुछ काम बचा नहीं। देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ दिया, अब अपने फाइनल को मैं ना अच्छे से टाइट कर लेता हूँ। तो भाई आप देख सकते हो कि मैंने अपनी हेडलाइट को प्रॉपर PPF कर दिया, ब्लैक कलर की मेरे पास PPF पड़ी हुई थी। और नीचे आप चेक कर सकते हो आउट लाइट एक बार दिखा देता हूँ मैं, अगर आपने पहले वीडियो में नोटिस नहीं किया हो तो ये प्रॉपर मेटल बॉडी की है और इसमें ना वाटर प्रूफ है ये प्रॉपर। और दूसरा आप देख सकते हो HJG की ओरिजिनल है बिल्कुल, और काफी ज्यादा बढ़िया है। और प्राइस वगैरह आगे वीडियो में भी बताता हूँ। तो सबसे पहले अब ये वाला जो स्टिकर है ना शेर का जो पहले लगाया हुआ था इसको हटाते हैं और कुछ नया स्टिकर यहाँ पे लगा के देखते हैं। तो ये वाला स्टिकर लाया हूँ, इसको लगाते हैं, देखते कैसा लगता है। तो भाई आपने स्टिकर देख लिया, अब जल्दी से एक बार नाइट का थ्रो और चेक कर लो, अंधेरा हो रखा है बिल्कुल यहाँ पे। और अब मैं ना आपको दिखाता हूँ इसका रिस्पांस। तो देखो अभी मैं जस्ट ऑन करता हूँ इसको, तो भाई आप देख सकते हो एक नंबर का रिस्पांस है इसका। और ये इसकी लो बीम है और हाई बीम करके दिखाता हूँ, देखो अभी हाई बीम पे गाइस आप चेक कर सकते हो काफी दूर तक है, ये देख सकते हो काफी दूर तक, ये देखो अभी ना शायद आपको इसलिए अंदाजा नहीं आ रहा, मैं एक बार ऑफ करता हूँ, अब आप देख सकते हो कितना अंधेरा है। और ये देखो, और ना इसको थोड़ा सा अभी ऊपर करा हुआ है, एक बार थोड़ा नीचे करके दिखा, ये और नीचे कर, और कर, देखो अब आप देख सकते हो, हाँ तो देख सकते हो ये अपनी लो बीम हो गई और ये हाई। और भाई इसमें ना एक फ्लैशर का भी होता है, पर फ्लैशर हमने ऑफ कर दिया भाई, वो दूसरों को परेशान करने वाली बात है तो बेकार लगता है, तो फ्लैशर वगैरह मैं इंस्टॉल करता ही नहीं।
आपने देख लिया हो, काफी ज्यादा अमेजिंग रिस्पॉन्स है, एक नंबर का है, कोई दिक्कत नहीं है, वाटर प्रूफ है और काफी ज्यादा मतलब रीजनेबल प्राइस में मेरे को ये वाली लाइट मिल गई थी। और बाकी जिस भाई ने अभी तक हूटर वाली वीडियो नहीं देखी है तो हूटर की वीडियो भी देख लो, काफी ज्यादा बढ़िया लगाया था मैंने अब तक लगा हुआ है वो इसमें। और जल्दी से मैं दूसरा हूटर भी अरेंज कर रहा हूँ बड़ा वाला, वो भी लगाएंगे इसमें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो ए टू जेड जो भी मॉडिफिकेशन बाइक में हो रखी है, जैसा कि आप देख सकते हो हमने यहाँ पे टेल लाइट भी कस्टमाइज करी हुई है, सारी वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, हूटर वगैरह, रूट्स, हॉर्न, लैमिनेशन, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है। तो आप एक बार चैनल पर विजिट कर लो और सारी वीडियोज देख लो, और बाकी कमेंट सेक्शन में बताना बाइक कैसी लग रही है। और बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी चीजें की लिंक दी है, तो वहां पर जाकर भी देख सकते हो, वहां पर भी मैंने सारी वीडियोज की लिंक दी है। अब बात करते हैं कि जो हमने लाइट लगाई है इसका प्राइस क्या है, आउट लाइट बोलते हैं वैसे तो इसको, तो इसका प्राइस था 500 रुपए, ऑफलाइन मैंने परचेज करी है। और अगर आपको प्लास्टिक बॉडी में मिल रही है तो वो 300-250 रुपए में मिल जाती है, भाई के पास चले जाना आप, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एड्रेस भी दिया है। और भाइयों जो हमने स्टिकर लगाया है मेरे को 30 रुपए का पड़ा था, उन्हीं भाई से मैं इसको बनवा के भी लाया था। और अभी भी वैसे तो मैंने सारी बातें आपके साथ क्लियर करी दी हैं, और अभी भी कोई डाउट रह गया तो साइड में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको शो हो ही रहा होगा, आप वहां पर आकर मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत सारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो वहां पर मेरे से बात भी करते हैं। तो भाइयों वीडियो किसी भी एंड पर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाइयों मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।